नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी एक रुपए के कपूर से 1 लाख की सुख शांति पाने का तरीका। जाने दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पूजा पाठ में आवश्यक सामग्री में से एक कपूर भी है। सब तरह की पूजा में कपूर का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू धर्म में कपूर को बहुत पवित्र माना गया है। पूजा पाठ में प्रयोग की जाने वाली हवन सामग्री में भी कपूर का विशेष महत्व होता है। बिना कपूर के धार्मिक कार्य अधूरे माने जाते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण के साथ ही स्वास्थ्य के लिहाज से भी कपूर फायदेमंद होता है। वास्तु एवं ज्योतिष शास्त्र में भी इसके महत्व और उपयोग के बारे में बताया गया है। हम आपको बताते हैं कि कपूर कैसे आपको संकट से मुक्ति दिला सकता है और कैसे आप अपने गृह और घर को भी बाधा मुक्त रख सकते हैं। क्या होता है कपूर? कपूर मोम की तरह दिखने वाला एक उड़नशील वानस्पतिक द्रव्य होता है। इसे सामान्यतया आरती करने के दौरान प्रयोग करते हैं। इसकी सुगंध बहुत ही अच्छी होती है। इससे एक विशेष प्रकार की गंध आती है जो वातावरण में फैल जाती है। मान्यता है कि इसकी गंध से मन और दिमाग दोनों मस्तिष्क को शांति मिलती है। कपूर संस्कृत में कर्पूर, फारसी में काफूर और अंग्रेजी में कैफर के नाम से जाना जाता है। पुण्य के लिए पूजा के लिए कपूर जलाने की परंपरा आज से नहीं बल्कि प्राचीन समय से चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं के सामने कपूर जलाने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। अतः प्रतिदिन सुबह शाम घर में ईश्वर वंदना करते हुए कपूर जरूर जलाना चाहिए। बनी रहती है शांति। धार्मिक मान्यता है कि रात को सोने से पहले किसी पीतल के बर्तन में कपूर लेकर उसे गाय के शुद्ध घी में डुबोकर जला दे। ऐसा करने से घर के सभी क्लेश नष्ट हो जाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है, दूर होता है पितृदोष। कभी कभी कुछ लोगों के मुँह से सुना जाता है कि उन्हें पितृदोष या काल सर्पदोष है। दरअसल यह राहु और केतु का प्रभाव होता है। ऐसे में कपूर उनके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कपूर जलाने से देव दोष व पितृ दोष समाप्त होता है। प्रतिदिन 3 बार यानी सुबह, शाम और रात के समय घी में भिगोया हुआ कपूर जलाने से पितृ दोष दूर हो जाएगा। सुखी दाम्पत्य जीवन। यदि पति पत्नी के बीच तनाव बना रहता है और लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो यह उपाय कारगर साबित हो सकता है। पत्नी रात को सोते समय कुछ कपूर पति के तकिए के नीचे रख दे और सुबह बिना टोके उसे जला दे। इस उपाय को करने से आपस में शांति बनी रहेगी तथा प्रेम बढ़ेगा। अनहोनी या दुर्घटना से बचाव। आकस्मिक घटना या दुर्घटना का कारण राहु, केतु और शनि होते हैं। इससे बचने के लिए रात को हनुमान चालीसा के पाठ के बाद कपूर जलाना चाहिए। हालांकि जिस घर में सुबह शाम कपूर जलता रहता है उस घर में किसी भी प्रकार की अनहोनी और दुर्घटना होने की आशंका नहीं होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कारगर कपूर के बारे में वैज्ञानिक शोधों के आधार पर भी कहा जाता है कि इसकी सुगंध से जीवाणु, विषाणु आदि बीमारी फैलाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं। यह वातावरण को शुद्ध करता है जिससे बीमारी होने खतरा कम हो जाता है। विज्ञान के अनुसार पूजा या हवन करते समय जब हम कपूर जलाते हैं तो उससे निकलने वाला धुआं आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। नकारात्मक ऊर्जा होगी दूर। रविवार के दिन उपले पर कपूर और गुड़ रख कर उस पर थोड़ा घी डालकर जलाएं। इस उपाय को करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। इसके अलावा घर के शौचालय और बाथरूम में कपूर की 2-2 टिकियां रख दे। ऐसा करने से घर की सभी बुरी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। नहीं होगा वास्तु दोष। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो वहां कपूर की 2 टिकियां रख दे। जब वह टिकियां गल कर समाप्त हो जाए तब फिर उसी स्थान पर 2 टिकियां रख दे। वास्तु शास्त्र के अनुसार वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कृपया वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।